आप गुरुजी मेरा आपसे निवेदन है, आप जिस दिन कुरान के हिंदी वर्जन को पढ़ लेंगे हाँ, तो मुसलमानों के बारे में मान्यता ही आपकी बदल जाएगी जी। जो मुसलमान दिखता है वो मुसलमान नहीं है सर। अच्छा, जो मुसलमान ही नहीं जो दिखता है। फिर मुसलमान तो वो है जो अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता। वाह, ईश्वर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर पढ़ा, कुरान के अंदर बताया है कि पड़ोसी नाराज में नाराज, डायरेक्ट उसने कह दिया सर। कुरान की एक आयत में है कि तेरा पड़ोसी नाराज में नाराज जी, अगर इस बीच अगर तेरा पड़ोसी नाराज है तो तू तेरे द्वारा किया गया पूजा पाठ वो मैं कबूल नहीं करूंगा, तेरे सर से ऊपर नहीं उठाऊंगा। मतलब मानव जाति की सेवा सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी कुरान में ये आइडेंटिटी है जी जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वायरल वीडियो के बारे में बात करेंगे और इसकी तफसील, इसकी डिटेल जानेंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल खूब वायरल हो रहा है, खास करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग इसे बहुत ज्यादा शेयर भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा रिमिक्स यानी डुएट भी बना रहे हैं। दरअसल ये जो इंसान टोपी में आपको नजर आ रहा है ये एक कैदी है और उसके सर पे भी जो टोपी है वो भी कैदियों की ही है और ये एक मुसलमान है। और ये जो कथावाचक है ये एक मशहूर कथावाचक है, इनकी कथाएं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखी जाती है। इनका नाम अनिरुद्ध आचार्य महाराज है। इनके बहुत सारे प्रोग्राम जेल में भी होते हैं जैसा उनके चैनल से और उनके वीडियो से पता चलता है। ये अपनी कथाएं कैदियों को सुनाते हैं जिसमें सारे धर्म के कैदी मिलकर उनकी कथाएं सुनते हैं, क्योंकि अब जेल ही एक ऐसी जगह बची है जहां हिंदू मुसलमान एक साथ आराम से और सुकून से रह रहे हैं। बाकी सब जगह का तो हम सबको पता ही है कि क्या हो रहा है। बहरहाल इन महाराज की कथा किसी जेल में या कैदियों के बीच हो रही थी तब का ये वीडियो है और वहीं से ये वायरल हुआ। अनिरुद्ध महाराज अपनी कथा होने के बाद सवालों जवाब का सेशन भी रखते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, जिनमें कैदियों से सवालों जवाब होते हैं, कैदी सवाल करते हैं। और जैसे बाहर भी अगर इनकी कथाएं होती है तो आपने देखा होगा कि लोग इनसे सवालों जवाब करते हैं लोग, लेकिन यहां पर जो हो रहा था ये कैदियों के बीच में हो रहा था। कैदी सवाल कर रहे थे और ये अपना जवाब उनको दे रहे थे। ये जो मुस्लिम कैदी है इनका जुर्म जब महाराज ने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मैंने असल में किसी को एक चाटा मार दिया था, पड़ोसी महल्ले के अंदर झगड़ा हुआ था और वहां मैंने किसी को चाटा मार दिया था, लेकिन दुश्मनों ने इतना बड़ा केस मुझ पर कर दिया कि मुझे यानी ऐसे ऐसे कलम लगा दिए कि मुझे लंबी जेल हो गई और मैं अब तक जेल में हूं। बहरहाल ये तो उसकी तफसील हो गई। बहरहाल इस कैदी की जो महाराज के साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो काफी लंबी है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सुनना चाहे तो सुन सकते हैं, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन है। मुझे इस कैदी और महाराज के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई, जो गुफ्तगू और जो बातचीत हुई, मैंने पूरा वीडियो देखा तो मेरे ये बात समझ में आई कि किसी भी बात को और किसी भी चीज को समझाने और समझने के लिए आपके पास सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, मुताला होना चाहिए और दूसरों तक पहुंचाने का सलीका होना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है, इल्म है, वो भी गहरा है और सही है, जबान मीठी है और सलीका मंद है, तो दुनिया और दुनिया के हर धर्म के लोग और हर धर्म के महाराज और संत आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर गौर भी करते हैं और आपका मैसेज दुनिया के कोने कोने में पहुंचता है और लोग उसको सुनते हैं। इस मुस्लिम कैदी ने जेल में आने के बाद पढ़ाई की, कुरान को भी पढ़ा और उसके बाद दूसरे धर्मों की किताबों को भी पढ़ा और कोई डिप्लोमा भी किया और अपनी बात बहुत सलीके के साथ, इस्लाम की बात बहुत सलीके के साथ रखी और इस्लाम के उन विवादित यानी मुतनाजा बातों को भी बहुत अच्छे ढंग से पेश किया जिसे अच्छे से अच्छे इल्म वाले भी पेश नहीं कर सके। इसीलिए कहते हैं कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। इस कैदी ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का भी किस्सा बाबा को क्या पूरी दुनिया को सुनाया।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी किस्सा सुनाया, वो जो कुर्बानी वाला वाकया है, जिसमें से महाराज को भी कुछ बातें उसी वक्त पता चली, वो भी हैरान थे, आप वो वीडियो को देख सकते हैं। फिर इस मुस्लिम कैदी से शराब के बारे में पूछा गया तो इसने कहा कि देखिए शराब इस्लाम में हराम है। फिर महाराज ने पूछा, फिर मुसलमान तो शराब नहीं पीते होंगे? तो उस कैदी ने इतना अच्छा जवाब दिया कि हमारी किताब में, इन्हें कुरान में लिखा है कि शराब हराम है, जो शराब पीता है वो मुसलमान ही नहीं है। यानी हमारे कुरान और हदीस में ये बताया गया है कि जो शराब पीता है वो हम में से नहीं है, यानी मुसलमान ही नहीं है, शराबी ईमान से खारिज है। जी, के मुस्लिम धर्म के अंदर सबसे बड़ी अगर किसी चीज की मनाही है तो वो है शराब। अच्छा, शराब को हराम करार दिया गया। फिर मुसलमान भाई तो शराब पीते नहीं होंगे? गुरुजी, जो मुसलमान है, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अगर आप उसको बिल्कुल, जो मुसलमान है वो दारू नहीं पी सकता, और जो दारू पीता वो मुसलमान नहीं है। साफ कुरान हमारा कह रहा है, जो हमारी बात को मानता है वो हमारा है, जो हमारी बात को नहीं मानता हम में से नहीं है, साफ लिखा है सर। अच्छा, बिल्कुल, ये मैं अपनी किताब का आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जो कुरान की बात को मानता है वो मुसलमान है, जो कुरान की बात को नहीं मानता वो हम में से नहीं, हम में से नहीं मतलब वो मुसलमान नहीं। अच्छा जी, एक रिक्वेस्ट, एक दरखास्त करना चाहता हूँ। ये बारकोड आपको नजर आ रहा होगा, दरअसल हमने एक मिशन शुरू किया है, आओ स्कूल बनाए। देखिए, हमने गली गली, महल्ले महल्ले मस्जिदें बना दी, महल्ले महल्ले हमने मदरसे बना दिए, लेकिन आज जरूरत है दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम। हमको जिस तरह से मदरसे और मस्जिदों की जरूरत है, ठीक उसी तरह हमें स्कूल और कॉलेज की भी जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस सिमत में कदम उठा दिया है, 2 एकड़ जमीन भी ले ली है, वहां पर 1 फ्लोर तैयार भी कर दिया है, 7 करोड़ का काम है, 2 करोड़ का काम भी कर दिया है, 10वीं तक वहां पर 125 बच्चे पढ़ भी रहे हैं। हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, टोटल 7 करोड़ का काम है, 5 करोड़ और लगने वाले हैं। हम आपसे ज्यादा नहीं मांगते, 1,000, 2,000, 10,000, 1,00,000 नहीं, आपको सिर्फ हर जुमा को 100 रुपए इस बारकोड पर स्कैन करके आपको इस ट्रस्ट को, यानी हमारे ट्रस्ट को आपको भेजने हैं, जो हम हर जुमा को फकीरों में दे देते हैं, भिखारियों में दे देते हैं, भिखारियों को दे देकर हमने भिखारियों की तादाद बढ़ा दी है। अब जरूरत है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और वकील और आईएएस और आईपीएस हमारे नौजवानों को बढ़ाएं। इसी तरीके से हम कॉलेज और स्कूल की तादाद बढ़ाएं, जहां पर दीन की तालीम के साथ दुनिया की भी तालीम हो। आपको सिर्फ हर जुमा के दिन इस पर 100 रुपए स्कैन करके भेजना है, और इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि और लोग भी हमसे जुड़े और जल्द से जल्द ये कॉलेज तैयार हो जाए, ताकि हम अगले मिशन पर लग जाएं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। और आखिरी बात, जो इनकी कॉन्वर्सेशन की, इनकी गुफ्तगू की वायरल हो रही है, इस कैदी ने कहा कि बाबा जी, अगर आप कुरान को हिंदी वर्जन में पढ़ोगे, यानी आपकी अपनी जबान में पढ़ोगे, तो मुसलमानों के बारे में आपकी मान्यता ही बदल जाएगी, यानी मानसिकता ही बदल जाएगी, सोच ही बदल जाएगी, क्योंकि जो आपको दिखता है मुसलमान, वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो वो है जो अपने पड़ोसी को भी भूखा नहीं देख सकता। अल्लाह ने कुरान के अंदर बताया है कि पड़ोसी नाराज तो मैं नाराज, अगर पड़ोसी नाराज है तो तेरी सारी इबादत बेकार है, सर से ऊपर है। आप गुरुजी, मेरे आपसे निवेदन है, आप जिस दिन कुरान के हिंदी वर्जन को पढ़ लेंगे, हाँ, तो मुसलमानों के बारे में मान्यता ही आपकी बदल जाएगी। जी, जो मुसलमान दिखता है वो मुसलमान नहीं है सर। अच्छा, जो मुसलमान ही नहीं, जो दिखता है। फिर मुसलमान तो वो है जो अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता। वाह, और बिल्कुल ये बात बिल्कुल हकीकत है, और हदीसों से साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के इतने हुकूक बताए हैं कि साहबा को ऐसा लगा कि शायद पड़ोसी को विरासत में भी हिस्सेदार बना दिया जाएगा। फिर एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल, गाली हराम, शराब हराम, झूठ बोलना हराम, सूद हराम, यानी जितनी बुराइयां हैं इस्लाम ने हराम कर दी है, लेकिन आज का मुसलमान वो सारे काम बदकिस्मती से कर रहा है, जिसकी वजह से, और कुरान पाक, कुरान और हदीस, अल्लाह रसूल को छोड़ने की वजह से ये सब हालात आए हुए हैं।
और ये जो दूसरी कौमों के लोग हैं हमसे जो बदजन हैं वो हमारे अमाल की वजह से है, हमारे मामलात की वजह से है, हमारी जबान की वजह से है। जब बाबा को अच्छी तरह से ये बातें समझ में आई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी बातों से लग रहा है कि मानव जाति की यानी इंसानियत की सेवा, इंसानियत की खिदमत ही सबसे बड़ी सेवा है। इस्लाम का ये पैगाम है, ये महाराज के भी समझ में आया। कितना अच्छा कॉन्वर्जेशन था। जब इस कैदी ने अपनी बात को मुकम्मल की तो बाबा ने कहा कि मुझे वाकई में आपसे बात करके अच्छा लगा, और ये भी कहा कि हिंदू धर्म और इस्लाम में बहुत सारी बातें सिमिलर है, सारे धर्म इंसानियत ही सिखाते हैं, और ये इंसानों ने आजकल अपने हिसाब से अपने मतलब के लिए अपनी राजनीति के लिए धर्मों को और मजहबों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और आपस में दुश्मनियां पैदा कर दी। देखिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि हमारे जो दूसरे नॉन मुस्लिम जो भी है, चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जितने भी कौमे हैं, जितने भी मजहब है, वो कुरान नहीं पढ़ते, वो हदीस नहीं पढ़ते, वो बुखारी नहीं पढ़ते, वो मुस्लिम नहीं पढ़ते, वो हमको पढ़ते हैं, यानी हमको देखते हैं, हमारी जबान को देखते हैं, हमारे मामलात को देखते हैं, हमारे रहन सहन को देखते हैं, हमारे व्यवहार हमारे मामलात को देखते हैं, इसी को कुरान समझते हैं, इसी को इस्लाम समझते हैं, इसी को बुखारी समझते हैं, इसी को मुस्लिम समझते हैं। और चूंकि हम गलत राह पर चल पड़े हैं तो उनको ये गलत फहमी हो गई कि इस्लाम ही इनको ये सिखाता है। तो एक तरह से हम गलत राह पर चलकर और इस्लाम के खिलाफ चलकर हम इस्लाम को, कुरान और हदीस को और अल्लाह रसूल को बदनाम ही कर रहे हैं, जिसका ये वबाल हम पर आया हुआ है। अल्लाह के लिए रमजान शुरू हो चुका है, इस रमजान में तौबा तिल्ला करें, अल्लाह से माफी मांगे और ये इरादा करें कि कुरान और हदीस पर, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात पर मुकम्मल चलेंगे, पिछले सारे गुनाहों से तौबा करेंगे, ताकि इस्लाम की जो छवि है और इस्लाम की जो शक्ल सूरत जो हमने बिगाड़ दी है वो सही हो सके। मुझे तो इनके ये कॉन्वर्जेशन से ये सबक मिला कि हमको अपने आमाल को, अपने व्यवहार को, अपनी जबान को दुरुस्त करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको ये बात समझा दे। ये वीडियो तो मिसाल थी और बात जो है एक इंसिडेंट था, लेकिन वाकई में ये वायरल हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हमारे यानी हमारी जिंदगियों पर भी, एक हमारे अमल पर भी सवाल या निशान लगा देता है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, और ये सुन्नत भी है, गिज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा, और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए, घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मरतबा, क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिफ्ताही परफ्यूम्स के सारे इत्र अब परफ्यूम की शक्ल में एक नई खूबसूरत, दिलकश और दीदाज़ेब पैकिंग के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये 100 ml की ये बॉटल है और हमारे सारे परफ्यूम्स माशाल्लाह, हमको तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद तारीफ करते हैं, और हमारे सारे परफ्यूम्स लगाकर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर और हमारी वेबसाइट के लिंक भी मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर एक मरतबा, क्यों नहीं होता, खरीदेंगे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।